पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में दिखा ड्रोन सुरक्षा उल्लंघन पर भारत ने दर्ज कराया विरोध। बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन बवाल, विधायकों के हंगामे के चलते अभिभाषण नहीं पढ़ सके राज्यपाल, 5 मिनट में ही खत्म करनी पड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले पर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह बोले, इसके पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ होने की आशंका। IIT मद्रास के गेस्ट लेक्चरर का अजला शव कैंपस में मिला, बरामद हुआ सुसाइड नोट। बिजली संकट पर CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने वाले सिद्धू का सामने आया सच, 9 महीने से नहीं भर रहे अपना बिल। राहुल गांधी के वैक्सीन नहीं आई वाले ट्वीट पर BJP नेता गौरव भाटिया ने दिया जवाब, पूछा सत्ता के लिए इनका मोतियाबिंद कब दूर होगा। उत्तराखंड ने COVID-19 के चलते लगातार दूसरे साल रद्द की हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हुए, शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई थी 10 साल जेल की सजा। यामी गौतम को ED ने भेजा समन, खाते में 1.5 करोड़ रुपए आने के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया। ऑस्कर की ओर से विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर को मिला न्योता, कर सकेंगी वोटिंग। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे निजी स्कूल संचालकों को भैंस के आगे बीन बजाना पड़ा महंगा, भैंस ने खोया आपा। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन, महंगाई डायन, गाने पर लगाए ठुमके, 1 लीटर पेट्रोल डलवाने पर 1 किलो प्याज मुफ्त। मध्य प्रदेश में मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, जिन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग गए वे PM केयर फंड में 500 रुपए डालें। भोपाल में BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन सेंटर पर मची भगदड़, 250 लोगों को टीका लगने थे लेकिन सेंटर पर पहुंच गए 1000 लोग। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।